प्रदेश के हरदोई जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक सपा नेता ने पुलिस में शिकायत देते हुए कहा कि उसकी 25 वर्षीय बेटी को एक भाजपा नेता भगा कर ले गया। भाजपा नेता की उम्र करीब 47 वर्ष है। इसके अलावा वो दो बच्चों का पिता भी है। सपा नेता ने कहा कि उसकी बेटी की शादी तय थी, लेकिन इससे पहले ही भाजपा नेता उसकी बेटी को बहला फुसला कर और प्रेम के जाल में फंसा कर भगा ले गया, वो भी अपने से काफी छोटी उम्र की लड़की। मामला जैसे ही लोगों तक पहुंचा तो भाजपा नेता का विरोध होना शुरू हो गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता की सदस्यता रद्द कर दी है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आरोपी भाजपा नेता की तलाश शुरू कर दी है। मामला हरदोई जिले के सुभाष नगर का है। यह 47 वर्षीय भाजपा नेता आशीष शुक्ला पर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने उसकी 25 वर्षीय बेटी को भगा कर ले जाने का आरोप लगाया है। शिकायत दर्ज करने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सपा समर्थक सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरस रहे हैं। लोगों ने आवाज उठाई कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपने इस नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। मामले को बढ़ता हुआ देखकर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने तुरंत एक्शन लिया और सपा समर्थकों की मांग पर अमल करते हुए आशीष शुक्ला की पार्टी सदस्यता रद्द कर दी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।